उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जनपद हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सोमती कैन ने मोहल्ला नबी करीम में घर घर जाकर अपने लिए चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट डालने की अपील की और नबी करीम में महिलाओं ने डॉक्टर सोमती कैन का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं वार्ड नंबर 10 से भारतीय जनता पार्टी के सभासद पद के प्रत्याशी पवन कुमार के कार्यालय का हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती और भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद की प्रत्याशी डॉक्टर सोमती कैन ने फीता काट कर किया उद्घाटन। फीता काटने के बाद दोनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो पर माला चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती ने भाजपा की चेयरमैन पद की प्रत्याशी डॉक्टर सोमती कैन के लिए जनता से कमल के फूल पर वोट डालने की अपील की। सुनते हैं हापुड़ विधायक विजयपाल आरती को। दोनों वोट कमल के फूल पर मोहर लगाकर पवन जी को भी सफल बनाना है और डॉक्टर सोमती कैन जी को भी बनाना है। जो हमारे वार्ड से दस्य खड़े हुए हैं वो दोनों ही हमारे वार्ड के नहीं है, दोनों ही दूसरे वार्ड से खड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं अपने पवन को जो अपने वार्ड के हैं एक तरफा वोट कमल के फूल पर पवन को भी जिताना है, डॉक्टर सोमती कैन जी को भी जिताना है। कहीं गलती मत कर देना आप, सरकार को पूरे 6 साल हो गए। कमल का फूल, कमल का फूल, और किसको मत भूल। और 2 साल कोरोना जैसी बीमारी भी रही, 4 साल का काम करने का खूब अच्छा मौका मिला। अगर तुम 4 साल और 2 साल भी जोड़े 6 साल, इतने विकास कार्य के काम किसी और सरकार में नहीं हुए। अगर जो हम इससे भी हटके और बातें करें तो 6 साल पहले क्या हमारे रोड की स्थिति थी? आए दिन गुंडागर्दी, किसी को कोई पीट देता था। 2017 से पहले नई नुई सरेआम शराब बिकती थी। जब योगी जी की सरकार आई ये सब चीज बंद हो गई। आपने देखा होगा कि नगर पालिका के द्वारा ही 500 गज में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का काम करा। आपने देखा होगा महामाई मंदिर बनवाने का काम करा 50 लाख रुपए लगवा कर। कभी किसी और सरकारों ने ध्यान नहीं करा। जो दबंगाई लोग करते थे उनकी दबंगाई खत्म हुई है योगी जी की सरकार में। और 2 साल जब कोरोना जैसी बीमारी रही और पार्टियां कोई भी उनका ना तो कार्यकर्ता ना कोई उनका नेता जनता के बीच में नहीं आए वो लोग। आपने सुना हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती को और अब सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद की प्रत्याशी डॉक्टर सोमती कैन को। भारत माता की जय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी और वार्ड वासियों को नमन करती हूँ। विनती करती हूँ कि 11 तारीख को अपना बहुमूल वोट कमल के फूल पे देकर भाजपा को और यहाँ के सभासद को और मुझे विजयी बनाएं। मैं विकास हुआ है, आगे भी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।